हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कार्यालय एवं प्रशासनिक लागत। अब इसमें सुनिए, कारखाना लागत में जब कार्यालय एवं प्रशासनिक उपरिव्यय जोड़ दिए जाते हैं तो कार्यालय लागत ऑफिस कॉस्ट ज्ञात होती है। इसे उत्पादन की लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। इस कार्यालय परिव्यय में निम्न मदों को शामिल किया जाता है। नंबर फर्स्ट है रेंट, टैक्स एंड रेट्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कार्यालय भवन का किराया, कर एवं दर। नंबर सेकंड ऑफिस लाइटिंग एंड क्लीनिंग, कार्यालय के प्रकाश, सफाई पर व्यय। नंबर थर्ड सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट्स स्टाफ, कार्यालय कर्मचारियों, प्रशासनिक एवं लेखा स्टाफ का वेतन। नंबर फोर्थ रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत एवं ह्रास। नंबर फिफ्थ है इंश्योरेंस, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कार्यालय भवन का बीमा, मरम्मत एवं ह्रास। नंबर सिक्स है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई एवं लेखन सामग्री पर व्यय। नंबर सेवेंथ पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एक्सपेंसेस, यानी कि डाक, तार, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट व्यय। नंबर एट्थ डायरेक्टर्स फीस, यानी कि निदेशकों का शुल्क। फिर है नंबर नाइन्थ ऑडिट फी, अंकेक्षण शुल्क। नंबर टेंथ लीगल एंड बैंक एक्सपेंसेस, कानूनी एवं बैंक व्यय। नंबर इलेवेंथ काउंटिंग ऑफिस सैलरीज, गणना कार्यालय वेतन। नंबर ट्वेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्थापना व्यय। नंबर थर्टीन्थ जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय। नंबर फोर्टीन्थ एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस मैगजीन्स, व्यापारिक पत्रिकाओं पर व्यय। नंबर फिफ्टीन्थ अदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अन्य कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय। अब नंबर फोर्थ आता है टोटल कॉस्ट, यानी कि कुल लागत, इसके बारे में सुनिए। उत्पादन की लागत में जब विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय को जोड़ दिया जाता है तो जो लागत प्राप्त होती है उसे कुल लागत कहते हैं। विक्रय उपरिव्ययों से आशय ऐसे उपरिव्ययों से है जो उत्पादित वस्तु या सेवा की मांग के सृजन व बढ़ाने अर्थात मांग उत्पन्न करने से है, जबकि वितरण उपरिव्यय वह होते हैं जो माल को गोदाम में रखने से लेकर ग्राहक तक माल पहुंचाने से संबंधित होते हैं। इन व्ययों को सामूहिक रूप में विपणन उपरिव्यय भी कहा जा सकता है। विपणन उपरिव्यय यानी कि मार्केटिंग ओवरहेड्स। इस वर्ग के मुख्य व्यय निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स ऑफिस, विक्रय कार्यालय के व्यय। नंबर सेकंड सैलरी कमीशन, ETC, टू सेल्स मैनेजर एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि विक्रय प्रबंधक एवं विक्रय प्रतिनिधियों को दिया जाने वाला वेतन, कमीशन इत्यादि। नंबर थर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, विक्रय प्रतिनिधि के यात्रा व्यय। नंबर फोर्थ एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन। नंबर फिफ्थ शोरूम एक्सपेंसेस और एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, शोरूम या प्रदर्शनी व्यय। नंबर सिक्स प्राइस लिस्ट, सैंपल्स एंड गिफ्ट्स, मूल्य सूची, नमूने एवं उपहार। नंबर सेवेंथ डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, ग्राहकों को दी गई छूट, यदि नकद बट्टा कैश डिस्काउंट दिया हो तो उसे विक्रय में शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन कैश डिस्काउंट अलाउड दिया हो तो विक्रय व्यय मानना चाहिए। नंबर एट्थ एक्सपेंसेस ऑफ टेंडर एंड एस्टीमेट्स, टेंडर तथा मूल्य अनुमान संबंधी व्यय। नंबर नाइन्थ मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, बाजार अनुसंधान व्यय। नंबर टेंथ वेयरहाउस एक्सपेंसेस, गोदाम व्यय। अब कुछ और हैं वो आपको सुनने हैं, इसमें लिखे हुए नहीं है वो सुनिए। नंबर इलेवेंथ है डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन्स, सुपुर्दगी वाहन के
रख रखाव एवं हिरास संबंधी व्यय। नंबर 12th कैरिज आउटवर्ड्स निर्गत भाड़ा। नंबर 13th रॉयल्टी ऑन सेल बिक्रय पर रॉयल्टी। नंबर 14 आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट बिक्रय पश्चात सेवाओं की लागत। नंबर 15 है सेल्स। नंबर 14th है सेल्स इंसेंटिव्स बिक्रय प्रेरणाएं। नंबर 15 था। अब नंबर 16 है वारंटी क्लेम्स वारंटी दावे। और लास्ट है पैटी एक्सपेंसेस फॉर द वेलकम ऑफ कस्टमर्स ग्राहकों के स्वागतार्थ किए हुए फुटकर व्यय आदि। अब सम अदर स्पेशल पॉइंट कुछ अन्य विशिष्ट बिंदु इसको सुनने हैं। नंबर 1st कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि बेचे गए माल की लागत। इसमें सुनिए यदि निर्मित माल की मात्रा तथा बेचे माल की मात्रा में अंतर होता है या प्रश्न में तैयार माल का स्टॉक दिया होता है तो उत्पादन लागत के पश्चात बेचे गए माल की लागत की गणना की जाती है जो निम्न प्रकार होती है। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक तरफ यहाँ पे यूनिट्स और अमाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड करना है इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगी। नंबर 2nd आ जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स विक्रय की लागत। इसमें सुनिए बेचे गए माल की लागत में विक्रय एवं वितरण व्यय जोड़कर जो लागत आती है उसे विक्रय की लागत कहते हैं। नंबर 3rd प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट बेचे गए माल पर लाभ एवं शुद्ध लाभ। उसमें सुनिए यदि प्रश्न में इन दोनों लाभों की गणना करनी हो तो बेचे गए माल की लागत और विक्रय राशि के अंतर से बेचे गए माल पर लाभ की गणना करते हैं तथा इस लाभ में से विक्रय एवं वितरण व्यय घटाकर शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाता है। अर्थात ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कर देंगे मतलब ये निकल के आ जाएगा हमारा सेल्स। फिर प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड और फिर इसमें से लेस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हमारा निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब नंबर 4th आता है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और WIP। इसका मतलब है कार्य प्रगति या अर्ध निर्मित माल का मूल्यांकन। कार्य प्रगति का अर्थ किसी कार्य या उत्पाद की अपूर्ण स्थिति से है, अर्थात कार्य या उत्पाद निर्माणी प्रक्रिया में है और विक्रय योग्य स्थिति में नहीं है। सतत उत्पादन की व्यवस्था में लेखे अवधि की समाप्ति में कुछ ना कुछ कार्य अपूर्ण स्थिति में रह ही जाता है। उदाहरण के लिए एक फर्नीचर निर्माता 20 कुर्सी बना सकता है लेकिन अवधि की समाप्ति पर 5 ऐसी अपूर्ण कुर्सी रह जाती हैं जिन पर पॉलिश करना शेष रह गया है, तो इन 5 कुर्सियों को कार्य प्रगति माना जाएगा। प्रश्न यह है कि कार्य प्रगति का मूल्यांकन कैसे हो। कुछ लेखाकार इसे मूल लागत पर मूल्यांकित करते हैं तो कुछ कारखाना लागत को आधार मानते हैं। अब नंबर 5th आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के आधार पर लाभ की गणना। इसमें नंबर 1st है यदि लागत पर लाभ की दर दी गई हो तो लाभ तो होगा बराबर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। मतलब टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स की रेट ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। नंबर 2nd यदि विक्रय पर लाभ की दर दी गई हो तो लाभ बराबर होगा टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। बस ऊपर क्या अंतर था, ऊपर खाली 100 था नीचे, तो यहाँ पे 100 में से रेट ऑफ प्रॉफिट और माइनस कर देंगे तो विक्रय पर लाभ की दर दे रखी हो तो लाभ निकल आएगा। अब सुनिए नंबर 6 आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स यानी कि लागत लेखों में शामिल ना की जाने वाली मदें।
इसमें सुनिए, आय व्यय की कुछ मदें शुद्ध वित्तीय प्रकृति की होती हैं, अतः उन्हें लागत पत्र या लागत विवरण में नहीं दर्शाया जाता। ऐसी कुछ मदें निम्न हैं, श्रम या सामग्री की असामान्य क्षति यानी कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल और लेबर, प्रारंभिक व्यय या ख्याति का अपलेखन यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल रिटर्न ऑफ, आयकर संपत्ति कर या अन्य प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और अदर डायरेक्ट टैक्सेस। फिर है पूंजी या ऋण पर दिया गया ब्याज, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल और लोन। फिर आता है विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर आता है पूंजीगत लाभ या हानि, कैपिटल गेन्स और लॉसेस। फिर आता है संचयों को हस्तांतरण, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। फिर आता है नंबर 8, अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट या प्रब्याजी, डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। नंबर 9 है लाभांश का भुगतान या प्राप्ति, पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड। नंबर 10 है अंश हस्तांतरण शुल्क, शेयर ट्रांसफर फी। फिर है रोकड़ छूट, कैश डिस्काउंट। फिर आता है स्टॉक के मूल्यांकन पर लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। फिर आता है विदेशी विनिमय पर लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।